एवरीवन, दिस इज अंकुश एफएफ बैक अगेन विद न्यू चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं सोचा नहीं था कि दूसरा चैनल इस तरह और ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा, बट चलो स्टार्ट करते हैं। आज का कंटेंट है हु इज अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू चोमो, जो एक मेरा एक्स फ्रेंड था। एक्स फ्रेंड उसको बोलना नहीं रहेगा क्योंकि वो फ्रेंड भी नहीं, अब एक स्कैमर है मेरे लिए जो हमेशा रहेगा। स्कैमर उसे बोलना ऐसे ठीक भी नहीं लगता है, तो आपको हम उसके लिए ले चलते हैं आप फ्लैशबैक। तो गाले ए है कि सन 1999 में जब मैंने जन्म लिया इस धरती पे, तो मैंने अपनी इंडिया की पॉपुलेशन में अपना योगदान जस्ट किडिंग। हाँ, तो इस कैंप की शुरुआत होती है एएफएफ के चैनल से। इसमें चोमो भैया हमारे पास लेके आते हैं एक गेमिंग चैनल का आइडिया। चोमो भैया इज इक्वल टू अल्फा, तो वो एक गेमिंग चैनल का आइडिया लेके आते हैं हमारे पास, जो कि हमारे माइंड में पहले से था। समझ रहे हो ना, पहले से था। और उस तरह बन गए हम उनका शिकार, स्कैम का शिकार। आप सब ने देख ही लिया होगा एएफएफ की वीडियो में आज, समझ रहे हो ना। तो एक गेमिंग यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको तो एक गेम, जो कि मैंने चूज़ की फ्री फायर, जिसपे मैं सीज़न 1 से खेलते आया हूँ, और वो भी 2 GB रैम फ़ोन के साथ। फ्री फायर तो चूज़ कर ली थी, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए अपने को चाहिए थे नेक्स्ट लेवल गेमिंग इक्विपमेंट्स। डिंग डोंग कौन? अच्छा अल्फा भैया, उन्होंने बोला चाचा हमारे पास है इक्विपमेंट्स, तो हम मिलकर करते हैं चैनल स्टार्ट। और हमारे लिए तो वही था बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, समझ रहे हो ना। तो इक्विपमेंट्स मेरे पास तो नहीं थे, चैनल को मैं मैनेज मैं कर नहीं सकता था, तो वही करते थे हमारे चोमो भैया। मतलब कि यूट्यूब तो स्टार्टिंग से उनके पास था ही और अब भी है, लेकिन हमारे अल्फा भैया का कहना है कि हमने उनको चैनल से निकालने की कोशिश। तो ये तो लात मारने वाली बात हो गई। सोचो, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सब हो, जितने देख रहे हो, आप सब हो अंकुश फ्री फायर। आप रात को सोते हो, सुबह आप उठते हो, जब आप उठते हो 7-8 बजे, आप देखते हो कि आपके पास आपका ना यूट्यूब पासवर्ड है, सब चेंज हो गया, इंस्टाग्राम चेंज हो गया है, सब कुछ, मतलब आईडी का पासवर्ड भी चेंज किया गया, सब कुछ किया गया। आपके पास, आप थे 4.9 मिलियन पे एक यूट्यूबर, और आप आ जाते हो 0 पे। तो आप बताओ लात मारना किसको बोलते हैं? तो लात मारने वाली बात हो। और ये हुआ है हमारे साथ, और उन्होंने बताया कि हमने उनसे मांगने की कोशिश की, और ये चीज हुई थी 1 मंथ, इसको हो गया 1.5 मंथ पूरा। और अगर कंट्रोवर्सी हमें करनी होती तो हम 1.5 मंथ पहले उठ के आके वीडियो बनाते, कंट्रोवर्सी करते, ये सब करते, फेम शेम। जो भैया का कहना है फेम शेम हमें चाहिए नहीं, वो नहीं चाहिए भैया को, चाहिए सब कुछ। जो फल बंट रहा था 2 में, वो अब चाहिए को भैया को पूरा फल, क्योंकि पहले तो कुछ था नहीं, अब उनको चाहिए पूरा फल। उनको लगता है मेहनत उनकी है, हमारे 2 साल जो बर्बाद हुए, हमने जो मेहनत की उनका कुछ नहीं। और चोमो जानता था चैनल में दोनों का हिस्सा है, इक्वल हिस्सा है, लेकिन बस चोमू ये सोचता था कि पूरी मेहनत मेरी है और चैनल में नेम मेरा है। जैसे कि चैनल की ग्रोथ देखकर उसका डर बदलता गया, और उसने मुझसे पूरे चैनल का डिटेल ले लिया और सब अपने पास रख लिया। ओ भाई, रखो रखो भाई, मजे करो, मुझे नहीं चाहिए था नेम फेम। चोमू भैया का मन उससे भी नहीं भरा, तो उन्होंने अंकुश का नाम ही गलत इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। अगर तुम्हें इतना ही था, तुम चैनल का नाम बदलते, मजे से तुम चैनल को चलाते, कोई दिक्कत नहीं होती। आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, तो तुम्हारा, तुमने उसको नाम को गलत बताया ना, कुछ गलत किया, इसीलिए बता रहा हूँ। फॉर मी लाइफ इज़ अ गेम एंड देर आर मैनी कम्पिटिटर्स, सो योर रैंक ऑलवेज गोज अप एंड डाउन। एट लास्ट आई एम वट आई एम अंकुश। इफ़ यू सपोर्ट मी, आई होप 1-3K लाइक्स। सायोनारा खाता।